2.7 शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको ऐड किया, आंसर नल वेक्टर आया है। हम उनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या नतीजा आखज कर सकते हैं इस बात से, ये हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन में बताना है। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर आखिर में नतीजा भी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए वेक्टर है, इसको लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। बी को लिखा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, वो लिख लिया। अब ए की जगह ए की वैल्यू उठाएं और उसको ए की जगह पुट कर दें। यहाँ पे ये आ गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब आगे क्या है, बी है, बी की वैल्यू यहां से उठाएं और यहां रख दें। तो ये आ गया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। नल वेक्टर किसके इक्वल होता है, जीरो आई प्लस जीरो जे के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, दोनों में से आई के जो है वो कॉमन लेने इन दोनों में से। तो इनमें से आई कॉमन आ गया यहां से और यहां से, तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से जे कॉमन आ सकता है, तो जे यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया, ये बन गया ए वाई प्लस बी वाई। तो अब हमारे पास इस तरफ आई है, ये इसका कोफिशियंट है जे और इसका कोफिशियंट है, और ये हमारे पास आ गया जीरो आई प्लस जीरो जे के इक्वल, जो उधर से एज इट इज लिखी है। अब देखें आई के कोफिशियंट को कंपेयर करें तो ए एक्स प्लस बी एक्स जीरो आ गया। जे के कोफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे आप तो ए वाई प्लस बी वाई भी जीरो आ जाएगा। अब ये बी एक्स इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स आ गया। बी वाई इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई आ गया। इसके बाद इसके नीचे आप ये लाइन लिखेंगे, वो क्या है, क्रॉसपोन्डिंग कंपोनेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। कि ये जो एक कंपोनेंट्स है क्रॉसपोन्डिंग कंपोनेंट्स, इनमें देखें नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट टू ईच अदर हैं। तो बच्चों ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।